Hello guys, welcome back to my channel. This is your Sizzle and I hope you all are good. आज मैं लेकर आई हूँ फ्लॉलेस फेशियल हेयर रिमूवर का रिव्यू. तो चलिए इस तरह से गाइज इसकी ये पैकेजिंग होती है. मैं इसे लास्ट डेढ़ से लेकर दो महीने से यूज़ कर रही हूँ जब से मैंने इसे परचेज किया है एंड मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ लेकर आऊँगी, आपके पास आज लेकर आई हूँ. ये है फ्लॉलेस फेशियल हेयर रिमूवर. ओके, इस तरह से ये है इसकी पैकेजिंग. आपने बहुत बार इसे टीवी पर भी इसका आई थिंक एडवर्टीजमेंट देखा होगा. और ये जो है ये बोल रहे हैं परफेक्ट फॉर द फेशियल हेयर, फेशियल हेयर के लिए ये परफेक्ट है. ओके, एंड ये डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड है. उसके बाद ये बोल रहे हैं कि जो इसके ऊपर का है ये 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड है. सो बी फ्रैंक, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड ये है. एंड इसमें कहीं भी ये मेड इन चाइना है एंड इसमें कहीं भी जो प्राइस है वो मेंशन नहीं है. इसे जो है बहुत लोग अपनी मनमर्जी के मुताबिक लगा रहे हैं. मैंने इसे जो है 250 रुपीज में परचेस किया था. तो चलिए, ये बोल रहे कि बैटरी बीच में इंक्लूडेड होती है एंड पेन फ्री है. इस तरह से उसके बाद एक प्लास्टिक की ट्रे निकलेगी. ये मेरे खुद की सेल्स है, बैटरीज है मतलब. ठीक है, उसके बाद इस तरह की पैकेजिंग होती है. यहाँ पर आपको एक बैटरी मिलती है. अगर आप कभी भी ले तो शॉपकीपर को बोले कि डेफिनेटली वो दे, क्योंकि इस पे उन्होंने लिखा हुआ कि ये बैटरी इंक्लूडेड. लेकिन मेरे साथ जो लोकल शॉपकीपर है वो आर्ग्यूमेंट कर रहा था कि मैम बैटरी नहीं है, नहीं है. तो फिर भी मैंने बोला कि नहीं, मुझे चाहिए, बिकॉज मुझे टेस्ट करके देखना है पहले कैसे वर्क करता है कैसे नहीं. उसके बाद इसमें एक ऐसा ब्रश दे रखा है जो हर किसी इस तरह के जो आप मशीन लेते हैं होता है, ताकि जो आपके फेशियल हेयर्स या छोटे छोटे कोई भी हेयर्स है तो आप टॉप ऑफ द मशीन से उसे इस तरह से क्लीन कर लें. तो इसलिए होता है ये कुछ ज़्यादा वर्किंग वाला होता नहीं है. ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये जो है इस तरह से ये मशीन है, लाइक काइंड ऑफ अ बुलेट लिपस्टिक, उस तरह की है ये मशीन. सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही प्रेशर लगा दिया. तो इस तरह से जो है इसका, यस, ये बुलेट लिपस्टिक की तरह इसका ढक्कन खुलता है. उसके बाद ये इस तरह से ये मशीन होती है. ठीक है, एंड देन नीचे से आपको इसको हल्का से इस तरह से ऐसे पुश करना है. यहां पर डलेगा सेल. ठीक है, तो सेल्स मैंने पहले ये सेल जो है मेरे शॉपकीपर ने डाल के दिया था, फिर ये वाला मैंने डाला. अब इसकी बैटरी काफी कम हो गई है तो अब मैं ये न्यू वन डाल रही हूँ आप लोगों को प्रॉपरली दिखाने के लिए. ठीक है, जस्ट एक सेल डलता है इसमें. उसके बाद ना आप ये देखिए, मैं आपको लाइट दिखाना चाह रही हूँ. बेसिकली आप एक लाइट देख रहे हैं, ये देखिए यहां पर ये जो लाइट है ना. ओके, सो ये जो लाइट है ये बोल रहे हैं कि इससे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी मशीन चल रही है, और वो तो वैसे ही वाइब्रेशन होता है तो आपको पता चल ही जाएगा. इनका कहना है कि ये लाइट हमने इसलिए डाली दी है ताकि जो आप अपने फाइनेस्ट हेयर है ना, छोटे छोटे हेयर्स हैं अपने फेस पर, वो भी विद द हेल्प ऑफ दिस लाइट देख सके. तो मुझे बहुत फनी लगता है कि ऐसा कुछ ही कोई बड़ा टॉर्च नहीं लगा दिया कि जिसकी वजह से हम देख पाएंगे, नहीं तो ये बिल्कुल यूजलेस है. दूसरी बात, ये फेशियल हेयर रिमूव करती है अच्छे से, यस डेफिनेटली करती है, बट ये बहुत स्लोली करती है. क्योंकि इससे पहले भी ना मैंने एक बाय फेदर किंग, तो बाय फेदर किंग का मैंने एक रिव्यू डाला हुआ है मशीन का, विच इज माई पर्सनल फेवरेट. मैं लेने वो ही गई थी लेकिन मुझे मिली नहीं, और मैंने भी इसको बहुत बार टीवी पे देखा था तो मुझे उस वक्त अर्जेंट चाहिए भी थी. तो फिर मैंने इसे परचेज किया और मैंने सोचा चलो अब इसे यूज करके देखते हैं कैसा है कैसा नहीं. तो ये बहुत स्लोली क्लीन करती है आपके फेशियल हेयर, और ये इतनी ज्यादा बैटरी जो है कंज्यूम करती है कि आपको बार बार सेल्स जो है इस तरह के आपको बार बार चेंज करने पड़ेंगे लाइक. और ये आई थिंक 5-7 मिनट में इसकी बैटरी डाउन हो जाती है. फिर अगर लॉन्ग टर्म ऐसे कैसे चला रहे हो, अगर बाय चांस आपने फॉर एग्जांपल इसे 2 से लेकर 3 मिनट के लिए अभी यूज किया और आप इसकी बैटरी निकालना भूल गए, तो नेक्स्ट टाइम जब आप यूज करेंगे तो बैटरी ऑलरेडी पूरी तरह से कंज्यूम हो चुकी होगी अपने आप ही, और आप यूज नहीं कर पाओगे. तो अगर आपको लेना भी है, ठीक है, तो आप इसके एक बार जैसे आपने अभी यूज किया उसका बैटरी निकाल दो, जब आपको यूज करना है तब दोबारा से इंसर्ट करो. तो ये आपको काम करना पड़ेगा. और अगर आप मेरी पर्सनल राय अगर आप मांगे तो मैं तो देखो कहूंगी कि ये बिल्कुल ही लाइक वेस्टेज ऑफ मनी है. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई ये मशीन, बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं करती फेशियल हेयर. ठीक है, रिमूव तो करती है फेशियल हेयर, लेकिन ये इतना फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोली करती है. दूसरी चीज, इसकी बैटरी इतनी जल्दी जल्दी कंज्यूम हो जाती है कि आई थिंक आप इसे अगर लेकर आएंगे तो पहले तो सेल्स के ना 3-4 बड़े बड़े वाले आप पैकेट ले आए, तब जाके आप इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है. और ये देखो, ये बहुत इस तरह से, उसके बाद क्या है, ये आगे से ये घूमता है. आप एक देखिए,
एक आवाज आई थिंक आप सुन पा रहे होंगे, तो इस तरह से। और आपको कैसे करना है, इस तरह से बस इसे चलाते जाना है, चलाते जाना है, चलाते जाना है। आप अपने अपर लिप्स यहाँ पे कहीं भी फेशियल हेयर कहीं भी है तो आप रिमूव कर सकती हैं। अब भी देखे अब ओके, मैं थोड़ा सा यहाँ का जो ये फेशियल हेयर है ना, ये वाला अपना आपको रिमूव करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए मैं कितना घुमा रही हूँ, फिर भी हो ही नहीं रहा, बहुत स्लोली होता है, बहुत स्लोली, लाइक इतना स्लो, पर ठीक है स्लो काफ़ी होता है। और आपको ये क्योंकि ज़्यादा एरिया भी कवर नहीं करता, बिकॉज जो देखिए छोटे छोटे मैं आपको दिखाती हूँ जो हुए ऐसे ऐसे दिखेंगे नहीं, बहुत छोटे हैं, ठीक है। तो ये बिकॉज ये छोटा है इसका सरफेस एरिया, तो ये बहुत छोटे छोटे एरियाज जो है वो कवर करता है। तो मेरी तरफ से तो बिग नो है, इसे आप परचेज मत करना, ना ही टीवी पर देख करो, ना ही शॉपकीपर से। और हो सकता है शायद अगर आपको फिर भी लेना है तो आप ले सकते हैं, बट फॉर मी अ बिग नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ऑनेस्ट रिव्यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई